दोस्तों सब्सक्राइब करें टेक्निकल एशन वाले चैनल को और दबाएं बेल आइकन लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में टीवी टेक्निकल एशन अग्रवाल। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ टेक्निक्स को लेकर। देखते इस वीडियो को, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों प्लीज़ कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, इससे पूछ जाएगी मेरी यूट्यूब की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। और सब्सक्राइब करने के लिए आप क्लिक कर दीजिए नीचे लाल बटन पे। और दोस्तों आपके एक सब्सक्राइब तो मेरे काफ़ी मोटिवेशन देता है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। दूसरी तरफ आपको पहली न्यूज मिल जाती है अमेज़न अलेक्सा के बारे में। सो अमेज़न अलेक्सा जो है काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है और अमेज़न को जो अच्छा खासा रेवेन्यू भी दे देता है। 2014 में अमेज़न अलेक्सा आया था दोस्तों, जब थोड़ा बढ़िया चला था, लेकिन अब दोस्तों उसके काफ़ी ज़्यादा बेकार के रिव्यूज़ आ रहे हैं। दोस्तों अमेज़न अलेक्सा काफ़ी बेकार चीज़ें कर रहा है अब। जैसे दोस्तों एक उसने अमेज़न अलेक्सा ने क्या करा कि हस्बैंड और वाइफ की बात रिकॉर्ड करके एक थर्ड पार्टी को उसने वो बात सेंड कर दी। और उसमें दूसरा एक बॉयफ्रेंड भी गर्लफ्रेंड को मार रहा था, तो उसने वो सारा सीन रिकॉर्ड करके पुलिस स्टेशन में सेंड कर दिया। और दोस्तों उसने एक खाली घर के अंदर अपने आप पार्टी अनाउंस कर दी। और दोस्तों उसने एक लड़की के सामने जो घर में पूरी अकेली दोस्तों उसके सामने कह दिया, मैंने क्लोज माय आईज आई सी ऑल आर डेड। उससे उसने कुछ इस तरीके से कोई भूत वाली बात कर दी कि जब मैं आँखें बंद करती हूँ तो मेरे को सारी चीज़ें मरी भी दिखाई देती हैं। उससे उसको वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डर भी गई। उससे इस टाइप की दोस्तों कुछ वो भूतिया सी या बेकार सी बातें करता है दोस्तों अमेज़न अलेक्सा। दोस्तों उसकी काफ़ी रिव्यू काफ़ी बेकार रिव्यूज़ आ रहे हैं, उसकी रेटिंग भी काफ़ी डाउन होती जा रही है। और अमेज़न उस पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी कर रहा है इसको और ज़्यादा सही करने में, तो देखते हैं ये आगे जाके सही होता है कि यह बिल्कुल ही बैन हो जाता है। दूसरा पगली न्यूज़ आती है एप्पल के बारे में। दोस्तों एप्पल जो एप्पल 2018 के अंदर अगर इस साल में कोई आईफोन आता है या 2019 में कोई आईफोन आता है तो उसके अंदर दोस्तों आपको एक चार्जिंग पोर्ट और दूसरा 3.5 mm का जैक नहीं मिलने वाला। दोस्तों ऐसा कुछ एप्पल 2017 के अंदर सोच रहा था और 2018 के अंदर इस पर मेहनत भी काफ़ी कर रहा है। दोस्तों इसके साथ दोस्तों क्या आएगा, जब पहले एप्पल के अभी कोई वायरलेस चार्जर या कुछ फ़ोन तो आए नहीं, पर एप्पल उसके अंदर आपको हर चीज़ वायरलेस करने वाला है। चार्जिंग आप वायरलेस कीजिए और या और जो एयरपोर्ट्स होता है वो एप्पल के हाई वायरलेस दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से वो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, पर अगर चार्जिंग वायरलेस रहेगी तो फिर उसके अंदर चार्जिंग वायरलेस चार्जिंग काफ़ी स्लो होती है, तो क्या पता एप्पल की सेल थोड़ी डाउन है। इसलिए दोस्तों अगर एप्पल ये नहीं करता तो एप्पल ने दूसरा आइडिया भी दे रखा है। दोस्तों एक 12 पिन का जो उसका पहला आता था 12 पिन वाला चार्जर आता था जो दोस्तों हम एंड्रॉइड में नहीं लगा सकते, एप्पल के लिए बनता है वो 12 पिन का। अब दोस्तों उसके अंदर एप्पल 16 पिन का देगा जो काफ़ी ज़्यादा फास्ट चार्जिंग करने वाला है और उससे काफ़ी चार्जर बढ़िया होने वाला है। बस अगर वो ये वाला अगर वो रखता है कि 16 पिन वाला चार्जर देता है तो हम उसको एंड्रॉइड में तो यूज़ कर नहीं सकते, बस वो एप्पल फ़ोन के लिए बनेगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आपको अगली न्यूज़ बताती है यूएस के लिए, यूएस की उसे यूएस की जो जो वाली न्यूज़ है वो यूएस के लिए काफ़ी प्राउडफुल न्यूज़ है। दोस्तों ये न्यूज़ है कुछ कंप्यूटर के बारे में। दोस्तों यूएस ने एक ऐसा कंप्यूटर बनाया है जो एक राइस से भी काफ़ी छोटा है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि राइस कितना छोटा सा होता है, उससे भी छोटा कंप्यूटर होता, मतलब कितना छोटा कंप्यूटर होगा वो। उसमें वो कंप्यूटर कुछ तरीके से काम करेगा कि वो जो कुछ ऑर्कोलॉजी रिसर्च होती है जो जगह जगह जाके टेम्परेचर चेक करते हैं आसपास चीज़ों में डिस्कवरी से काफ़ी दिखाते हैं, तो उसके लिए उसको हेल्प करने वाला है। छोटा सा कंप्यूटर है वो, हम किसी भी एनिमल इंसेक्ट के अटैच कर सकते हैं और वो फिर वो जब उस टेम्परेचर में जाएगा तो उधर का हमें टेम्परेचर भी पता चल जाएगा। जैसे उस एरिया में जाएगा हमें इस एरिया के बारे में पता चल जाएगा, टेम्परेचर पता चल जाएगा, उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। और दोस्तों इस कंप्यूटर जैसे हमारा हम जो नॉर्मल कंप्यूटर यूज़ लेते हैं जैसे कि हम देख सकते हैं, इसके अंदर दोस्तों क्या होता है जब शट डाउन करते हैं फिर अप ऑन करते हैं तो उसके अंदर सारी चीज़ें जो हमने पहले करी थी वो सही भी रहती हैं और कुछ भी डिलीट नहीं होता। दोस्तों इस कंप्यूटर में छोटा सा कंप्यूटर ज़्यादा फंक्शंस नहीं होते, इसलिए दोस्तों इसके अंदर जब भी आप शट डाउन कर देंगे तो दोबारा जब ऑन करेंगे इसमें सब डिलीट हो चुका होगा। और दोस्तों अगर हम बात करें डेटा शेयर की, तो दोस्तों डेटा शेयर के लिए दोस्तों इसके अंदर एंटीनास तो लग नहीं सकते, इसलिए दोस्तों इसके अंदर हमें लाइट के थ्रू डेटा शेयर करना पड़ेगा इसके अंदर जो साइंटिस्ट अपने लिए करते हैं रिसर्च के लिए। दोस्तों आपको न्यूज मिल जाती है दोस्तों स्पेस के बारे में। तो स्पेस के अंदर सोलर सिस्टम है, उसके दोस्तों अभी 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, 9 प्लैनेट की अभी रिसर्च चल रही है, काफ़ी एक प्लैनेट आए भी थे लेकिन फिर काफ़ी सारे ऑल ओवर वर्ल्ड से साइंटिस्ट ने आके जो रिसर्च करी थी उसके बाद पता चला था कि नहीं वो सोलर सिस्टम में नहीं आता। पर दोस्तों अब एक प्लैनेट दिखाई दिया है सोलर सिस्टम के अंदर जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर आता है, और दोस्तों उसका साइज़ है अर्थ से 6 गुना ज़्यादा, उसका जो मास है वो अर्थ से 10 गुना ज़्यादा। और दोस्तों उसका नाम कुछ रखा गया है, ऐप को आगे कुछ नंबर रखा गया है। और दोस्तों वो अभी काफ़ी बड़ा प्लैनेट है, उसको हम कुछ नाम से ही बुला सकते हैं हम उसको, जैसे
सब सैटर्न या फिर सुपर नेपट्यून के नाम से हम उसको बुला सकते हैं, उस टाइप का उसका साइज़ है। देखते हैं वो आने वाले समय के अंदर वो सोलर सिस्टम में माना जाता है या नहीं माना जाता। और ये दोस्तों इंडिया के लिए काफ़ी प्राउडफुल बात है कि ये इंडिया के साइंटिस्ट ने ही रिसर्च करा है। पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट काम पे लग रहे थे लेकिन ये रिसर्च तो सिर्फ इंडिया के साइंटिस्ट ने करा। दूसरा आपको इधर अगले मिल जाती है सैमसंग S10 के बारे में। दोस्तों सैमसंग S10 आपको कुछ फोटोज देखी होगी, मैंने आपको यूट्यूब पे टेक्निक्स के अंदर दिखाई थी। सो उसके अंदर दोस्तों बिल्कुल इन्फिनिटी स्क्रीन है, उसके अंदर आपको कैमरा भी शायद आपको वो बहुत कैमरे देने वाला है, उसके अंदर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने वाला है S10 के अंदर। अभी सुनने में आ रहा है, आने वाला वक्त बताएगा कि कैसा होने वाला है। क्योंकि इस फोन के अंदर सैमसंग कुछ इस तरीके से कह रहा है कि अगर आप इस टाइप का फ़ोन चाहते हैं तो फिर आपको उसके अंदर IR IS स्कैनर नहीं मिलने वाला, इसके लिए आपको छोड़ना पड़ेगा दोस्तों IR IS स्कैनर को। पर जो उसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होगा उससे आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं और भी काफ़ी सारे इसमें फंक्शन मिलने वाला है इन डिस्प्ले सेंसर के अंदर। दूसरा आपको क्लियर मिल जाती है सैमसंग के बारे में। तो सैमसंग का एंड्रॉयड गो का ओरियो अभी तक एक भी नहीं आया सैमसंग ओरियो का। अब दोस्तों फ़ोन आने वाला है सैमसंग गैलेक्सी J2 4 के नाम से। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको 1 GB रैम और 8 GB की स्टोरेज मिलने वाली है, जो कि काफ़ी अब तो काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज का फ़ोन आने वाला है। पर जब भी ये वाला फ़ोन अब सैमसंग लॉन्च करेगा इसके अंदर वो नॉच वाला फ़ोन होगा, सिंपल से जैसे फ़ोन होता है उस टाइप का फ़ोन होने वाला है। आजकल जैसे नॉचलेस फ़ोन आ रहे हैं, बेजललेस फ़ोन आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। दोस्तों फ़ोन जैसे सैमसंग के होते हैं सिंपल से उस टाइप के हैं जो G सीरीज के अंदर होते हैं। और दोस्तों इस फोन का प्राइस तो ज़्यादा ही होगा, सैमसंग एक ब्रांड बढ़िया ब्रांड बन चुके हैं तो आपको उस प्राइस पर थोड़ा ज़्यादा ही देना पड़ेगा। अब J2 का है तो देखते हैं कैसा आता है फ़ोन, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दूसरा कोई चीज़ मिल जाती है Xiaomi के बारे में। तो Xiaomi ने अब तो बिल्कुल इतने बढ़िया प्रोडक्ट लॉन्च करा है, चाइना के अंदर लॉन्च करा है, इंडिया के अंदर भी जल्दी आ सकता है वो ऐसा सुनने में आ रहा है। तो Xiaomi ने चाइना के अंदर एक बाइक लॉन्च करी है जिसका प्राइस है सिर्फ 18,000। और दोस्तों उस बाइक के अंदर आपको शॉक लेस आपको तो वो मिलने वाले हैं, टायर्स मिलने वाले हैं, शॉक प्रूफ टायर मिलने वाले हैं आपको। और वो साइकिल दोस्तों चार्ज करने वाली साइकिल, अगर उसकी चार्जिंग ख़त्म हो जाती है तो आप उसको पैडल मार के भी लेके जा सकते हैं। और दोस्तों कुछ साइकिल का भी काम करेगी और बाइक का भी काम करेगी। अब चार्ज होगी तो दोस्तों बाइक का काम करने वाली है। और दोस्तों उसके एक चार्ज सिंगल चार्ज होगा उसका 6.5 घंटे के अंदर, 6.5 घंटे के आसपास उसका चार्ज होने वाला है। और दोस्तों एक चार्ज के अंदर 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकती है, मतलब बिल्कुल डीजल CNG कुछ भी लगने वाला है। बस आपको 6.5 घंटे रात को चार्जिंग लगा के सो जाओ और आपको सुबह बिल्कुल फुल चार्ज मिलने वाली है। फिर आप उससे कम से कम 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते ऐसे आप उससे काम ले सकते हैं 50 किलोमीटर डिस्टेंस। अगर आप कहीं ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते तो आप उसको उतना काम ले सकते हैं। इसके अंदर आपको मिलने वाली 2 LED लाइट्स एक आगे एक पीछे और एक स्क्रीन जो एक वाटर रेजिस्टेंट स्क्रीन मिलने वाली है आपको उसके अंदर, जो आपको साइकिल की थोड़ी इन्फॉर्मेशन देगी, साइकिल ने कितना टाइम ट्रैवल कर लिया है, चार्जिंग कैसी है, इससे ऐसे आपको डिटेल देने वाली है। काफ़ी बढ़िया साइकिल है, अगर इंडिया में आती है तो उसकी सेल तो बिल्कुल ज़बरदस्त होने वाली है। इतनी बढ़िया साइकिल इंडिया में तो अभी तक कोई लाया नहीं है, देखते साइकिल अगर इंडिया में आती है इसकी सेल कैसी रहती है, इसका प्रोडक्ट कैसा रहता है, बढ़िया है कि साइकिल बेकार है। सुनने में आ रहा है कि दोस्तों इंडिया में जल्दी ही आने वाली है, बाकी देखते हैं। दोस्तों ये थी अच्छी टेक न्यूज़, अगर अच्छी टेक न्यूज़ आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, इससे आपको मिलती रहेगी मेरी यूट्यूब चैनल की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। स्टे ट्यून्ड विद टेक्निकल अशोक अग्रवाल।